दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। गाइस मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा। आप लोग जैसा कि जानते हैं मेरे YouTube चैनल पर, मेरा YouTube चैनल काफ़ी दिन पहले मैंने बनाया था, क्योंकि उसमें मेरी स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों से आज एक बात शेयर करनी थी, इसलिए मैं आज अपनी वर्कआउट की वीडियो नहीं कर डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कुछ बात बताने के लिए आपका टाइम लूँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। गाइस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारा जो जयों का फैसला आया है, जो राम मंदिर के लिए, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक जब से ये लोग को मालूम पड़ा है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, जो फैसला आया, तो कोई भी लोग इसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं हुआ है अभी, और ना अभी कोई दंगे नहीं हुए हैं। तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि शांति से अच्छी तरीके से अपना जो भी कार्य कर रहे करते रहे, खामा का दूसरों के बाद शेयर कर ना वो कोई फालतू की अफवाह ना फैलाए। तो वैसे तो अभी माहौल ठीक चल रहा है, पर अभी देखते हैं क्या है। पर जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से राम मंदिर के लिए सोच रहे थे और ये इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर का जो फैसला आएगा वो किस पक्ष में आएगा। तो जो जजों ने अच्छी चीज़ें ये की है कि मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने 5 एकड़ की ज़मीन बोल दी है विवादित ढांचे से अलग कि आप वहाँ लगाएं। तो अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपना भाईचारा प्यार बनाए, हिंदुत्व का साथ दें, सभी एक हैं, सब चीज़ें यहाँ आकर बना दी है। अपना बढ़िया से कार्य करें, खुश रहें, अच्छा रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम।